بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा है। अब तक 3 जो है फेस हो चुके हैं, अब चौथा फेस 13 मई 2024 को होने वाला है, जिसमें हमारे तेलंगाना के 17 सीट भी हैं। तो मैं इस सिलसिले में आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी वोटर हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल ख़ास तौर पर करें और ये न समझें कि हम एक वोट नहीं देने से क्या होने वाला है। गफलत मत कीजिए, इसलिए कि यानी वो जो मामला है लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, ऐसा ना होने पाए कि वोटिंग का दिन गुजर गया और आप अपना वोट का इस्तेमाल नहीं करें तो नतीजे में जो है आपका पसंदीदा उम्मीदवार आने के बजाय हार जाएगा या जो भी कुछ है। तो इस लिहाज से अब ये जो चौथा फेस है जो 13 मई 2024 को होने वाला है हमारे तेलंगाना स्टेट में, उस सिलसिले में मेरी आपसे अपील है कि हैदराबाद की जो सीट है उसके लिए हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके लिए नुमाइंदा हैं, आप उनको वोट दीजिए। और आप तमाम जानते हैं कि इनका मामला पार्लियामेंट में कैसा है, वो हर मौजू के ऊपर हुकूमत से जो है आपकी नुमाइंदगी करते हैं बिला खौफ के। तो इसलिए उनका जिताना जो है हमारे पर हर वोटर पर लाजिम है। और साथ ही साथ पूरे स्टेट में टोटल 17 सीट हैं, एक हैदराबाद की है, उससे हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुकाबला कर रहे हैं उनके हक में वोट दीजिए। और बाकी मुकामों पर कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को जो हिंदुस्तान में है वो नुमाइंदों को वोट दीजिए, उसकी वजह से हमारे मुल्क की तरक्की की भी जो जमानत है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ तमाम नाजरीन से कि वो वोट के दिन सबसे पहले प्रेफरेंस अपने वोट को दीजिए, अपने बूथ पर जाइए, वोट का इस्तेमाल कीजिए और जाते वक्त साथ ज़रूर अपने किसी आईडी कार्ड को रखिए ताकि वहाँ पर जो सरकारी अमला रहता है उनको आप मुतमईन कर सकें और अपना वोट दे सकें। अपने घर के तमाम लोगों को ले जाइए, महल्ले वालों को जो है बोलिए कि वोटिंग का वोट करके आइए। बहरहाल वोट का परसेंटेज इजाफा होना चाहिए और सारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी 13 तारीख को वोटिंग होने वाली है वहाँ के भी लोगों से, वहाँ के भी तमाम जो शहरियों से मेरी अपील है कि वो इंडिया अलायंस के लोगों को जो मुंतखब कीजिए और जहाँ जहाँ उनके हक में वोट दीजिए और जहाँ जहाँ सिर्फ कांग्रेस है वहाँ पर कांग्रेस को वोट दीजिए। इसमें न सिर्फ हमारे मुल्क की तरक्की मुजमर है बल्कि आपके हमारे मसाइल भी इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। ममा अलैना इल्लल बलाग।